हेलो फोक्स, आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज अबाउट प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड व्हाट आर द वेरियस प्री शिपमेंट फाइनेंस अवेलेबल टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो ऐसे कौन कौन से प्री शिपमेंट फाइनेंस है जो कि इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अवेलेबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को। 80% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। मैंने प्रीवियसली वीडियोस में नहीं डाल पा रहा था ड्यू टू यू नो वेरियस वर्क्स, बट अब मैं रेगुलर हूँ, आप रेगुलर में वीडियोस डालूंगा। कोई भी वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना करके आपके लिए हाजिर कर दूंगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होती रहे। दूसरी बात, नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, असाइनमेंट्स के सॉल्व अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट्स के सॉल्व आपको मिल जाएंगे। आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, एक नॉमिनल सा फी, आपको एक्चुअली फी भी नहीं लेना है, आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना है जिसकी फी बहुत ही कम है। बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 10 रुपीज पर मंथ है, वो भी आपके ऊपर है कि आप अगले मंथ कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह का है, वहां पे आपको सॉल्व असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। नोट्स के लिए भी प्राइसेस जो है बहुत ही कम कर दी गई है, सिर्फ 50 रुपीज पर पेपर के बेसिस पे जो है आपको नोट्स भी मिल जाएंगे अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके रखते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, फटाफट आकर के आप हमें ज्वाइन कर लो। आपका बीकॉम को पास करवाने की जिम्मेदारी कंप्लीटली कॉमर्स की पाठशाला की है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और व्हाट्सएप मी एट माय नंबर व्हिच इज 8101065300। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक व्हिच इज प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू पहले ले लेते हैं कि क्या होता है ये। तो देखो क्या लिखा हुआ, प्री शिपमेंट। शिपमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को शिप करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना, तो उसको शिप करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि वो पैसे आप जिसको शिप कर रहे हो उसी से लोगे, है ना, इनडायरेक्टली, बट स्टिल आपको स्टार्टिंग में कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। तो जो ये खर्च करना पड़ता है फाइनेंस के लिए, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही बल्क में पैसे उड़ते हैं, है ना, हवा में उड़ते हैं एक्चुअली। तो उस केस में क्या होता है कि आप अगर उस चीज में अक्षम हो तो आपको दिक्कत होती है। तो इन सब दिक्कतों को से लोगों को बाहर निकालने के लिए, एक्सपोर्टर्स को एक तरह से बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है प्री शिपमेंट फाइनेंस का जो है एक ऑप्शन निकाला है। एक्चुअली ये चलता है, अभी भी चलता है, जहां पे आपको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अपने शिपमेंट के पहले जो भी आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, जो भी कमिटमेंट्स हैं, आप उसको पूरा कर सके, ठीक है। तो क्या लिखा है, प्री शिपमेंट, शिपमेंट होने के पहले का जो फाइनेंस होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं फिलहाल, जो मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्री शिपमेंट के फाइनेंस के कितने टाइप्स हैं, मतलब कौन कौन से टाइप्स के अवेलेबल जो है हमारे इंडिया में इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अवेलेबल है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। नाउ प्री शिपमेंट फाइनेंस इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन दैट इज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स टू फाइनेंस द वेरियस एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बिफोर द शिपमेंट टेक्स प्लेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, शिपमेंट के होने के पहले, शिपमेंट का टेक्स प्लेस होने के पहले, जो भी प्रोडक्शन में या उसके शिपमेंट में जो भी वेरियस एक्टिविटीज आप करते हो जिसमें थोड़े बहुत आपको खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा बहुत मतलब मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए बोल रहा हूँ, हमारे लिए तो वो लाखों में हो जाएगा। तो बड़े बिजनेसमैन के लिए वो करना कोई मामूली बात, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं वो लोग। उस चीज के लिए गवर्नमेंट जो है उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, एक तरह से लोन प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म के लिए, और वो भी एक कंसेशनल रेट पे होता है ताकि वो लोग उस चीज को अफोर्ड कर सकें, है ना। तो इस तरह से जब गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड करती है कंपनीज को, एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो हमारा एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, तो उसको हम कहेंगे प्री शिपमेंट फाइनेंस, बिकॉज प्री शिपमेंट फाइनेंस, बिकॉज ये फाइनेंस जो है, फाइनेंस का जो प्रोसेस है, ये प्री शिपमेंट हो रहा है, शिपमेंट होने के पहले हो रहा है। This type of financing is crucial for exporters as it enables them to manage their cash flow and carry out the necessary pre-shipment activities such as procuring raw materials, processing the goods and packaging of goods among others. ठीक है ना। तो आप अपने सामान को सेंड करने के पहले जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, इवन यहाँ पे आपको अगर अपना रॉ मटेरियल परचेज करना है उसमें भी उस लोन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप कर देता हूँ जी। तो आप उसमें भी उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है, ओके? अगर आपने रॉ मटेरियल परचेस करना है, आपने गुड्स की प्रोसेसिंग करनी है, गुड्स को तैयार करना है, मतलब गुड्स की पैकेजिंग करनी है, फिर जो और भी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं सेंड करने के पहले, उन सब चीजों को करने के लिए आप उस ये लोन जो है ले सकते हो, जिसको हम प्री शिपमेंट फाइनेंस बोल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब ये जो शिपमेंट जो आपको फाइनेंस मिलेगा, ये किसी न किसी कॉज पे मिलेगा कि आपको पर्टिकुलरली किस चीज के लिए चाहिए। अगर हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछता है ना कि किस चीज के लिए चाहिए, होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मतलब पर्सनल लोन चाहिए।
तो रीजन एक्चुअली पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो शिपमेंट्स जो फाइनेंस अवेलेबल होते हैं वो भी डिफरेंट कॉजेस पे डिफरेंट रीजंस पे अवेलेबल किए जाते हैं। तो उन्हीं को यहाँ पे पॉइंट्स वाइज मैंने बताने की कोशिश की है। सबसे पहला है पैकेजिंग क्रेडिट, है ना। आपका सामान आपने तैयार कर लिया लेकिन उसकी पैकेजिंग के लिए जो खर्च पड़ेगा वो आपके पास नहीं है, वो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप लोन ले लोगे, है ना। तो जब इस चीज के लिए पैकेजिंग के लिए क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, लोन दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पैकेजिंग क्रेडिट। ओके, नाउ पैकेजिंग क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस दैट इज प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर्स टू फाइनेंस द वेरियस प्री शिपमेंट एक्टिविटीज सच एज प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स ब्ला 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 ब्ला। पैकेजिंग क्रेडिट में बहुत सारी चीजें यहाँ पे बोल दी गई है। पैकेजिंग जो आपका रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट है उसमें भी आप हो गया, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स भी हो गया, पैकेजिंग ऑफ गुड्स भी हो गया, जो ऊपर वाला पॉइंट था वो पूरा का पूरा पैकेजिंग क्रेडिट में आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे पैकेजिंग तक की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी एक्टिविटीज को आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फाइनेंस दिस लोन। ओके, सो दिस इज व्हाट पैकेजिंग क्रेडिट इज ऑल अबाउट। नाउ दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब ये जो चीजें हैं ये कौन आपको प्रोवाइड करेगा, ये बैंक्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं इंडिया में वो आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। फाइनेंशियल मतलब जिनका काम ही है लोन लेना, लोन देना एक्चुअली, सॉरी। तो अब वो अगला है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये एक कॉर्पोरेशन जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप किया है और ये भी जो एक तरह से लोन प्रोवाइड करती है। देख लो, ईसीजीसी एडवांसेस आर अ टाइप ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस दैट इज प्रोवाइडेड टू इंडियन एक्सपोर्टर्स टू फाइनेंस देयर प्री शिपमेंट एक्टिविटीज। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाई ईसीजीसी, है ना। तो ईसीजीसी एक तरीके से एडवांस टाइप का एक चीज है जो कि ईसीजीसी को, हालांकि गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट ने इसको तैयार किया है और इसी के तहत जो है लोगों को एक तरह से लोन दिया जाता है ना। पहले तो आपको बैंक वगैरह से लेने हैं लेकिन आपको बहुत लार्ज स्तर पे अगर कुछ करना है तो इस केस में ईसीजीसी आपकी जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय ईसीजीसी अ गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन। ये गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन है दैट प्रोवाइड्स क्रेडिट इंश्योरेंस टू इंडियन एक्सपोर्टर्स, जो कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मतलब जो वो लोन देती है वो एक तरह से इंश्योरेंस है कि आपको जरूरत चाहिए, आपको पैसों की जरूरत है, हम आपको क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड। Now, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एक डेवलपमेंट फंड है। क्या डेवलपमेंट फंड है? एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है। यहां से भी जो है आपको लोन एक तरीके से मिल जाएगा। आपको अगर फंड की आवश्यकता है आप एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड जाएंगे, वहां से भी आपको जो है लोन वगैरह मिल जाते हैं। सो ईडीएफ इज अ टाइप ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो आरबीआई ईडीएफ का जो जो फंड है उसके लिए जो है आपको प्रोवाइड करती है ये लोन, है ना। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर्स टू फाइनेंस देयर प्री शिपमेंट एक्टिविटीज। सो ईडीएफ इज आल्सो अ काइंड ऑफ क्रेडिट बोल सकते हो जो कि दिया जाता है। चौथा है फैक्टरिंग। सो फैक्टरिंग इज अ टाइप ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस दैट इज प्रोवाइडेड टू इंडियन एक्सपोर्टर्स बाय फैक्टरिंग कंपनीज। फैक्टरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग इनवॉइसेस टू फैक्टरिंग कंपनीज एट अ डिस्काउंट। अब ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट है, मुझे नहीं पता मैं आपको अभी समझा पाऊंगा कि नहीं ठीक तरीके से, बट फिर मैं कोशिश करता हूँ। देखो क्या होता है ना कि कंपनीज जो है, कंपनीज का सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उनको पता है कि इस एक जगह से मुझे जो है 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो वो क्या करती है उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को सेल कर देती है। सेल कर देती है एज इन सपोज उसको 10 लाख मिलने वाले हैं, उसको पैसे की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगी उस कॉन्ट्रैक्ट को वो सेल कर देगी किसी और बंदे को। वो बोलेगी तुम एक काम करो, ये 10 लाख का है, आप 9 लाख 50 मेरे से ले लो। मतलब 9 लाख 50 हजार आप मुझे दे दो, मैं 10 लाख का ये जो है आपको फैक्टरिंग के तहत मैं आपको दे देता हूँ। जब वो बंदा मुझे पे करेगा 10 लाख रुपए तो वो डायरेक्टली 10 लाख आपको मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो, आपने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसी और को सेल कर दिया 50,000 डिस्काउंट पे और उसको लेकिन 10 लाख मिल गया। उसने 9 लाख 50 हजार रुपए मुझे अभी दे दिया और 10 लाख रुपए उसको मिल गया। तो ये फैक्टरिंग एक बहुत ही फेमस चीज है जो कि अभी चलती है, इवन आप भी कर सकते हो, इसके लिए वेरियस वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है। तो आपको जब भी ये करोगे किसी ना किसी ब्रांडेड जो कंपनीज होंगी उन्हीं का करना। एक्चुअली मैं इसके बारे में कभी डिटेल में बताऊंगा इस चैनल पे। फिलहाल फैक्टरिंग का मतलब यही होता है कि आपको पैसों की आवश्यकता है, आपने अपने प्रोडक्ट को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को बेच दिया एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, बट लेटर ऑन जब आपको पैसे मिलेंगे, आपको एक्चुअली मिलेंगे नहीं, वो पैसे डायरेक्टली उसको उसके पास चले जाएंगे और जो आपने डिस्काउंट दिया था वो आपका एक तरीके से लॉस है। लॉस एक्चुअली नहीं होता कंपनीज का, कंपनीज को जब आवश्यकता पड़ती है पैसों की और वो इकट्ठा नहीं कर पाते पैसे तो वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें, तो यहाँ पे क्या लिखा फिर से बता दो, फैक्टरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग इनवॉइसेस। यहाँ पे आप इनवॉइसेस अपना सेल कर रहे हो, इनवॉइस आपने बना करके रखा है कि आपको कहीं से 10 लाख मिलने वाले हैं, आपने किसी को 9 लाख 50 में या 9 लाख में सेल कर दिया, है ना। आपको 9 लाख रुपए तुरंत मिल गए, आपका जो नीड है पैसे का वो आपका पूरा हो गया और जो जिस जिस बंदे ने आपको 9 लाख रुपए दिया उसको 9 लाख के बदले कितने मिले, 10 लाख रुपए, तो वही उसका प्रॉफिट हो गया। जो आपके लिए आपने डिस्काउंट दिया वो उसके लिए उसका प्रॉफिट हो गया,
है ना, इस तरीके से ये काम करता है. फैक्टरिंग कंपनीज एट अ डिस्काउंट एंड द फैक्टरिंग कंपनीज प्रोवाइड द एक्सपोर्टर विद एन एडवांस पेमेंट अगेंस्ट द इनवॉइस. समटाइम्स वो एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं इनवॉइस के अगेंस्ट में. समटाइम्स क्या ऐसा ही होता है, आप अगर किसी को दोगे तो वो आपको एडवांस पेमेंट करके कर देगा. फिर जब उसको पैसे मिलेंगे, मतलब जब वो बंदा, सामने वाला बंदा दूसरी कंपनी के पैसे देगी तो वो डायरेक्टली आपको दे देगी, है ना, इस तरीके से. आई होप कि समझ में आ रहा है. नहीं समझ में आ रहा है तो कॉल कर लेना मुझे या फिर व्हाट्सएप कर लेना, मैं फैक्टरिंग अच्छे तरीके से समझा दूंगा. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट है एडवांस अगेंस्ट चेक्स एंड ड्राफ्ट्स. अब आपके पास कोई चेक्स है, कोई ड्राफ्ट्स है जिसको आप दिखा करके बैंक में जो है लोन वगैरह ले सकते हो. सो दिस इज अ टाइप ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस दैट इज प्रोवाइडेड टू इंडियन एक्सपोर्टर्स बाय बैंक्स अगेंस्ट चेक्स एंड ड्राफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम द बायर्स. अब बायर्स से जो भी आपने, आपको चेक्स एंड ड्राफ्ट्स मिले हैं, ये तो बहुत ही कॉमन सा प्रोसेस है एक्चुअली. अब जब आप सामान सेल करोगे किसी को, तो जो बायर, बंदा जो बायर है वो आपको चेक देगा, ड्राफ्ट देगा. अब उसको आप बैंक में लेकर के जाओगे, उसको भंजा दोगे और आपको जो है पैसे मिल जाएंगे. या समटाइम्स क्या होता है कि 50 लाख का आपके पास चेक है, आपको 50 लाख नहीं 25 लाख ही चाहिए, तो आप बैंक में गए और वहां जाकर के अपने चेक के अगेंस्ट में एडवांस में आपने कुछ पैसे ले लिए. या सपोज चेक का कोई डेट है कि इसी डेट पे आपको जो है पेमेंट होगी, है ना, लेकिन चेक पहले आपको इश्यू हो गया, तो आप एडवांस में भी समटाइम्स उससे पैसे ले सकते हो बैंक से. ये चीजें जो है अवेलेबल की जाती है. ओके, द बैंक प्रोवाइड्स द एक्सपोर्टर विद एन एडवांस पेमेंट अगेंस्ट द चेक्स एंड ड्राफ्ट्स. ओके, कंक्लूजन फॉलो अप कर लेते हैं. सो इन कंक्लूजन, प्री शिपमेंट फाइनेंस इज एन इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल टू इंडियन एक्सपोर्टर्स टू मैनेज देयर कैश फ्लो एंड कैरी आउट द नेसेसरी प्री शिपमेंट एक्टिविटीज. जो ऊपर में लिखा था वही लिखा है, प्री शिपमेंट फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग ऑप्शन होता है जो कि इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास अवेलेबल होता है, ताकि जो भी प्री शिपमेंट एक्टिविटीज होती है, चाहे वो प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल हो या फिर ब्ला ब्ला जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई थी, वो सारी के सारी चीजों को वो पूरा कर सके, अपनी लाइबिलिटीज को पूरा कर सके. प्री शिपमेंट होनी चाहिए. लेकिन वो देखो, नाम से पता चल रहा है कि प्री शिपमेंट है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस भी होता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे उसका ऐसा नहीं कि उसका पॉइंट आपने यहाँ मेंशन कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. ओके, द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल इंक्लूड पैकेजिंग क्रेडिट. जो ऑप्शंस मैंने ऊपर बताए हैं वही ऑप्शंस यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है. जो वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पैकेजिंग क्रेडिट है, एसीजीसी एडवांसेस है, ईडीएफ है, फैक्टरिंग एडवांस अगेंस्ट चेक्स एंड ड्राफ्ट्स वगैरह वगैरह. ओके, एक्सपोर्टर शुड केयरफुली इवैल्यूएट देयर फाइनेंसिंग नीड्स. जो भी एक्सपोर्टर होता है उसको अपने फाइनेंसिंग नीड्स को अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करना है और किस चीज को चूज करना है. ये पांच ऑप्शन मैंने बताए, इन पांचों में से कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल है आपके लिए, ये आपने चूज करना होता है. उसके बेसिस पे फिर आपने डिसीजन लेने होते हैं. तो एक एक्सपोर्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो केयरफुली अपने नीड्स को इवैल्यूएट करे और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो अपना काम को करे, ठीक है. तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा. पसंद आया यार तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ. सब्सक्राइब कर लो चैनल को, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो मिलती रहे. थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में. अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू.